हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, वो भी कनाडा का बहुत ही पॉपुलर ग्रॉसरी और इलेक्ट्रॉनिक शॉप कह सकते हैं, वो है कॉस्को। वहाँ पे तो चलते हैं हम लोग शॉपिंग करने एंड इन बिटवीन रास्ते में मैं आपको और डिटेल बताती हूँ। कॉस्को में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि विदाउट मेम्बरशिप के आप कॉस्को में परचेस नहीं कर सकते हैं, और हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना मेंबरशिप कार्ड घर पे ही भूल जाते थे, बट लकीली आज हम लोगों को याद था और हम लोग लेके आए हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे कॉस्को बिल्कुल पसंद नहीं है, बहुत कम पसंद है, क्योंकि इसके बहुत कम प्रोडक्ट ही हम लोग यूज़ करते हैं और वो लोग एनुअली चार्ज करते हैं लाइक $60 और $120, जो हमने पूरा एक साल कैलकुलेट किया है हमारे लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है। एंड होपफुली इस साल हम लोग रिन्यू नहीं करवाने वाले हैं, आफ्टर जुलाई इट्स गोइंग टू एक्सपायर दैट कार्ड। लेकिन उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, और अगर आप इंडियन लोगों के बारे में देखोगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडियन प्रोडक्ट्स मिलते ही नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है हमारे। बहुत ही कम प्रोडक्ट हम इसके यहाँ से लेते हैं, कुछ लॉन्ड्रीज के लिए और कुछ लाइक आप कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम लोग वहाँ से लेते हैं। अदर देन दैट ना वहाँ स्पाइसेस मिलती हैं, ना अच्छे राइस मिलते हैं, ना ही कोई भी जो इंडियन स्नैक्स हैं वो भी नहीं मिलती हैं नॉर्मली। अगर मैंने बहुत अदर जगह देखी है, टोरंटो या अदर साइड्स तो वहाँ पे मिलती हैं, बट इधर वैंकूवर साइड है सारे, यहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट्स कोई भी किसी भी कॉस्को में मुझे अभी तक तो नहीं मिली। आई डोंट नो अगर और कहीं हो, मैं ऑलरेडी 2-3 विजिट कर चुकी हूँ तो मुझे अभी तक नहीं मिली है। सो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं आज कॉस्को शॉपिंग करने। कॉस्को पहुंच चुके हैं, कॉस्को होलसेल मार्केट। तो अभी हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद क्या देखिए, पता नहीं है यहाँ पे इतनी फुल क्यों रहती है पार्किंग, कहीं हमको जगह ही नहीं मिलेगी जल्दी। मैं तो मुझे लगता है 3-4 महीने में एक बार आती हूँ कॉस्को। बट हो सकता है मेरे लिए यूजफुल ना हो, बट अदर्स के लिए कॉस्को होलसेल मार्केट है, नो डाउट। प्राइस अदर्स से तो थोड़ी कम होती है, और यहाँ पे खाली एक चीज़ है कि यहाँ पे कुछ भी आप सिर्फ बल्क में ले सकते हो, आप कोई भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ बैड थिंग, जिस वजह से बहुत कुछ अगर चाहिए भी होता है तो इतना ह्यूज अमाउंट में हम लोगों को ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग अवॉइड करते हैं। क्यों में आना है इधर इधर, यहाँ एंटर करते ही इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है बहुत बड़ा सा, देख सकते तो ये पूरा साइड आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लाइक LG 4K 75, आपको 2600 यहाँ पे प्राइसेस लिखी रहती हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स लेना नहीं है तो हम लोग जा रहे हैं ग्रॉसरी साइड में जहाँ पे ग्रॉसरीज हैं। ओके सो we are going this side. Umar varo. Aaja aaja.
इधर आपको स्नैक्स, कपड़े, सारी चीजें अवेलेबल है। चलो गौरू, ये देखो कॉफी, वैरायटीज ऑफ कॉफी, मैक कैफे, टिम हॉर्टन्स, क्रिकलैंड, स्टारबक्स, हर तरह के नेस्प्रेसो से लेके कॉफी मशीन से लेके ऑल वैरायटी ऑफ कॉफीज, ग्राइंडर, मिक्सर, सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे। और इधर पूरा यहाँ से लेके पीछे तक पूरा क्लोथ्स एंड बेडशीट सेक्शन है। इस साइड पूरे एक सेक्शन और एक साइड ही पूरा क्रॉकरी, ग्लास एंड जग, जितनी भी सारी चीज़ें हैं लाइक वोक से लेके हर सारी चीज़ें इस सेक्शन में पूरी हैं। जो भी चीज़ें दिख रही हैं मैं दिखाते जा रही हूँ। पूरा सेक्शन गॉगल्स एंड स्पेक्स के हैं और बहुत सारे यहाँ पे जितना आप देख रहे हैं लाइक सोफा, चेयर्स, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। यहाँ पे यही एक इशू है कि अगर आपको लेना है तो आप एक पेन नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक द होल पैकेट, जो कि ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा हमें काम नहीं आता। एंड हियर शी इज, नाइस शू, हेलो कर दियो बेटा, हेलो कर दियो। सो दिस इज द ऑफिशियल और गेमिंग चेयर, दिस इज अनदर चेयर और जिसके प्राइस टैग सब लगे हुए हैं। यहाँ पे पूरी साइड इस साइड पूरी स्टेशनरी की ही है और ये सेक्शन पूरी लाइटिंग सेक्शन है। यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट्स, बाथरूम लाइट्स और लाइक किचन लाइट्स, सेंगे और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये सेक्शन पूरा उसी का है, लाइट विथ फैन विथ लाइट। एक्चुअली एक दो नहीं ले सकते, पूरा पैक ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो कुछ भी लेना है आपको पूरा एक पैक लेके अगर लेने हैं बाबा, पूरा एक पैक आपको लेना पड़ेगा, आप अलग नहीं ले सकते। फायर अलार्म से लेके ऑल लाइटिंग्स एंड ऑल यू विल फाइंड हियर। सो दिस इज होल टॉय सेक्शन। यहाँ पे बच्चों के खेलने के सारे सामान, गॉगल्स से लेके आपका उनके ये स्विमिंग प्रोडक्ट से लेके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे लाइफ जैकेट, फिश फिन, एवरीथिंग यू विल फाइंड योर, बेबी डायपर्स, जो भी बेबी प्रोडक्ट्स हैं वो यू विल फाइंड योर। फाइंड वैराइटीज ऑफ योगर्ट, और पैक के पैक उठाते जाओ, प्लीज होल सेक्शन इज फॉर चीज। ये पूरा साइड सॉसेज और पिकल्स से भरे हुए हैं। लाइक यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि अगर आप कोई भी सेक्शन कुछ भी चाहिए तो आप पर्टिकुलर सेक्शन में चले जाओ एंड यू विल फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग। खाली एक ही इशू है कि यहाँ पे हम जैसे इंडियन के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो भी पिकल्स और जो सॉसेस तो उनके काम आते हैं, बट ये पिकल्स एंड ऑल जो यहाँ के लोग हैं पर्टिकुलर उनके लिए, उन्हीं के टेस्ट के हैं। ये पूरा लैम्प सेक्शन है, ये इंपोर्ट किया गया है, पूरा होल लैम्प है। एक्चुअली मुझे पहले कुछ और लगा था। उस साइड जाना है हमें। ओके, इस सेक्शन में पूरे फ्रिजर हैं और उसमें जितने भी पैक फूड से लेके आइसक्रीम और सारी चीज़ें ये विल फाइंड। चिकन आइटम्स, श्रिम्प, सॉसेज, यू फाइंड एवरीथिंग। और मैं ढूंढ रही हूँ, इधर हो गया आपके जूसेस, और मैं ढूंढ रही हूँ डम्पलिंग्स,
croissants and milk dumplings. मेरा dumplings यहाँ पे मिलेगा. कॉस्को में काइंड ऑफ सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो डेली यूजेस में काम आती हैं. ये प्रीशियस ज्वेलरी का भी एक काउंटर है जिसमें आपको गोल्ड डायमंड की ज्वेलरी और साथ ही एक्सपेंसिव वॉचेस पर मिल जाएंगी. कॉस्को इतनी फ्रेश और फ्लफी क्रोसेंट कहीं पे भी नहीं मिलता, इसलिए स्पेशली मैं यहाँ लेने आती हूँ. चाहे वो वॉलमार्ट हो, सुपर स्टोर, कहीं पर भी मुझे इतना फ्रेश नहीं मिल रहा और मैं कहीं और से लेती भी नहीं हूँ एक्सेप्ट ऑफ कॉस्को. इस सेक्शन में हाफ कुक्ड एंड फुल कुक्ड मील्स मिलती हैं. जैसा मैंने पहले बताया, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी होती है कॉस्को से. जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो मैंने ऑलरेडी परचेज कर ली है. फाइनली वी आर डन विद आवर शॉपिंग. सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है अब वो ये है कि कैरी बैग नहीं देते. अगर आपको स्टफ कैरी करना है तो मैक्सिमम वो लोग हेल्प ये करते हैं कि इस काइंड ऑफ कार्टन जो कि उनके फूड प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं शायद उसके कार्टन हैं जो आपको देते हैं, बट उसे डिस्पोज करना भी एक टफ टास्क है. उसे प्रॉपरली बहुत हार्ड होती है, उसे प्रॉपरली आपको रैप करके तोड़ के देन ओनली हम लोग डस्टबिन में डाल सकते हैं, नहीं तो सोसाइटी में कंप्लेन हो जाएगी. सो लेट्स कैरी आवर स्टफ और फिर गाड़ी में डालते हैं. ओके, मैं आप लोगों को अब एक इंसिडेंट बता रही हूँ कॉस्को का, जो कि लास्ट के लास्ट आई थिंक हम लोग कॉस्को गए थे. उस टाइम मैं और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों खाली गए थे कॉस्को में. हमारे हस्बैंड बिजी थे वर्क में, तो वहाँ पे जाने उससे पहले हम लोग कभी लाइक बिना हस्बैंड के नहीं गए थे अभी तक. जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं बहुत कम कॉस्को एक तो जाती हूँ, वहाँ पे हमारी जरूरत की सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं. देन वॉट हैपन कि एक तो इतना बड़ा कॉस्को है कि उसमें आपको शॉपिंग करने में ही एक दो चीज़ भी अगर ढूंढने जाओ तो एक डेढ़ घंटे लगने हैं, और हमें दो ढाई घंटे लग गए. हम लोगों ने पूरा शॉपिंग किया और साथ में मेरी 2 साल की बेटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाती है अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक कहीं पे रहे और उसे फ्रीडम ना दी जाए. तो उसके बाद जब हम लोग काउंटर पे गए तो उन्होंने डिनाई कर दिया कि आपकी बिलिंग नहीं होगी. वी वेर सरप्राइज कि भाई हमारे पास तो सब कार्ड भी है, क्यों नहीं होगी. तो पता चला क्योंकि वो हमारे हस्बैंड के नाम पे हैं और वो हमारे साथ नहीं हैं, इसलिए वो लोग बिलिंग नहीं करेंगे. और सेम सिचुएशन उसके समय फ्रेंड के साथ भी था, हम दोनों की किसी की बिलिंग नहीं हो रही थी. देन मैं हेल्प काउंटर पे गई, उन लोगों को बोला कि भाई मेरे हस्बैंड का है तो वो तो मेरा ही हुआ ना. देन दे सेड नो, ऐसा नहीं होगा, इसमें एक आदमी का एड ऑन हो सकता है. अगर आपको चाहिए कि आप अकेले कभी आओ तो इसमें अपने हस्बैंड को बोलिए कि आपका नाम ऐड कर दें, तभी आप बिल पे कर पाएंगे इसके थ्रू, तभी आप परचेस कर पाएंगे. ओके, तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं. अभी तक हमें यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सब में भी पता था कि आप अपना ही यूज़ कर सकते हैं, मेनली अपने हस्बैंड का नाम पे भी है, आपके फादर के भी है, तो भी बहुत जगह आपको रोक सकते हैं. देन दैट डे हमें पता चला कि कॉस्को में अगर आप जा रहे हैं और वो कार्ड आपके नाम पे नहीं है तो एक आदमी का एक कार्ड में एड ऑन नाम हो सकता है एक्स्ट्रा, नहीं तो वो लोग तो हमें चेप रहे थे कि भाई तुरंत आप एक और कार्ड ले लो, $120 देके आप अपने नाम से ले लो. लेकिन लकीली थोड़ा सा जो अपना इंडियन स्टाइल है, थोड़ी सी बहस करके, थोड़ा सा उन लोगों को बता के भाई कि हस्बैंड का है तो पत्नी का हुआ ही, फिर उनकी आईडी कार्ड लकीली मेरे वॉलेट में थी और एड्रेस प्रूफ उनसे मोबाइल पे मंगवाया, तब हेल्प डेस्क जब सेटिस्फाई हुए तो हमारी बिलिंग हुई. तो इस तरह का इंसिडेंट भी हमारे साथ हुआ, लेकिन लकीली उसके बाद एक नॉलेज लाइक हमारे पास आई. ना अभी तक किसी के साथ हुआ हो ना हुआ हो आई डोंट नो, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती, जैसे हमें भी नहीं पता थी. हम ऑलरेडी 5-10 बार तो विजिट कर चुके थे, उसके बाद भी नहीं. सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके नाम पे कार्ड है तो ही लेके जाए, नहीं तो आपको भी 2-2.5 घंटे के बाद वो लोग वापस कर सकते हैं. बी केयरफुल.
नाउ वी आर रिटर्निंग बैक टू होम. आई होप मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया होगा. अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. मिलते हैं.